मॉर्निंग 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 डे 4 या 5 सफरनामा मुझे सही से याद नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं चाइना बॉर्डर की तरफ, वहां पे दिखेंगे मारखोर जिसका मैंने बड़ी शिद्दत से इंतजार किया था इस वक्त का। सर्दी यहाँ इतनी प्यारी है भाई जान, इतनी प्यारी है, मतलब तुम सोचो तुम्हारी गुड मॉर्निंग अगर ऐसी हो और ऐसी हो क्या होगा, अल्लाह माफ कर ऐसी हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चाइना बॉर्डर, नाश्ता वाश्ता करेंगे, तुम्हें नाश्ता भी दिखाएंगे, तुम्हें नाश्ता भी कराएंगे, सबर करो। तो जी हम करने रुके हैं नाश्ता और हमें मिला है एक बर्फानी बिल्ला। कितना खूबसूरत, आओ तुम लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। ये ग्लेशियर का पानी है जो कि काफी वहाँ से होता हुआ आ रहा है और जाहिर सी बात है गंदा वंदा हो गया ये पानी ना। हाँ कहीं बैठ के नाश्ता करेंगे अभी क्योंकि इट्स टाइम टू नाश्ता। ना 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 ना, ये डैम में जाता है और ये बिजली पैदा करता है और फिर पता है क्या होता है, पता है बिजली भरी है मेरे अंग अंग। और ये देखो ये असली है, ये सब असली है बंदा। अबे चोरी का शहद पीते हुए यहाँ से ये टोपी उतारी है मैंने, टोपे पे टोपी। भाईजान आप मारखोर को जानते हो? भाईजान उस्ताद जी मारखोर को जानते हो? आपका रिश्तेदार है ना मारखोर? हाँ भाई इससे पूछ रहे हैं हम रास्ता, ये भी मारखोर का बता नहीं पा रहा है। अच्छा ये कह रहे हैं कि सुबह सुबह मारखोर वहां से निकलता है। ये देख मेरी जैकेट खा रहा है, पागल हो गया। खा जाऊंगा तुझे मैं। गॉड बस एक बार मारखोर में देख रहे हैं कहाँ पे? करीब बिन में देख रहे हैं। करीब ही क्या मतलब? ये दूध बिन से करीब देख रहे हैं। दिखा शबीर भाई कुछ? हाँ वो हाँ तो तड़ पाड़ा नजर आया कुछ जैसे करके देख तो लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं वो हैं यहाँ पे दूरबीन में देखे हैं, अभी कैमरे में भी शायद थोड़े से आप लोगों को दिखे हो, अभी बाकी आगे जा रहे हैं क्या पता दिख जाए। और खोर दिख गया करीब वाला, मैं दिखाता हूँ शायद आप लोगों को दिखे, मुझे दूर से तो कुत्ता लग रहा है। ये रहा ये देखो मेरी, ये रहा ये देखो दिख क्या, लेकिन बहुत दूर है यार, इतना दूर है ये समझ ही नहीं आ रहा है, थोड़ा करीब आया तो समझ भी आए। जी पकड़ लिया, जी पकड़ लिया, जी पकड़ लिया, देखो कितने सारे हैं यार। आप में तो कोई मारखोर को जानता है? अबे ये तो गंजा हुआ है बेचारा। फाइनली इतना लंबा सफर तय करने के बाद आ पहुंचे हैं चाइना बॉर्डर पे। देखो कितना खतरनाक है यार, चारों तरफ बर्फ, देखो तो जरा यार। इस गाड़ी में चाइनीज हैं, इतने चाइना है इतने पाकिस्तान है, ये दीवार है चीन है। हम जा रहे हैं बस ये बॉर्डर तक, नीचे से जाएंगे, सांस तक नहीं ली जा रही, यकीन करो इतनी सर्दी पहन दी है भाई साहब। भाई इतनी सर्दी हो रही है कि हाथ दिल चाह रहा है वो, ये क्या है, हाथ दिल चाह रहा है वो, बल्कि बोला भी नहीं जा रहा है, जल चाह रहा है और पता नहीं बेशन वॉश पता नहीं क्या क्या मेरे मुंह से निकल रहा है, बस हवा निकल गई। एक चीज दिखाता हूँ, ये देखा, ये देखो बर्फ, सांस नहीं आ रही। इधर आने के लिए ना भाई साहब बड़ा दम चाहिए होता है, सांस नहीं आ रही, सर्दी लग रही है, वीडियो बन नहीं रही मुझसे, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहा है भाई, बिल्कुल भी सांस नहीं लिया जा रहा है। फाइनली वी आर एट चाइना बॉर्डर और पहुंच गए फाइनली, बड़ी जद्दोजहद के बाद, क्योंकि इस जगह पे पहुंचना था हमें, और हमारे लिए तो बड़ी बात है, हम तो कटी पहाड़ी पे नहीं चढ़ सकते, इतनी बड़ी पहाड़ियों पे आ गए हम लोग। और ये चाइनीज बॉर्डर है सामने, चाइनीज है, वैसे तो बस ये कह रहे हैं कि मतलब दुनिया के लिए वो है चाइना बॉर्डर, लेकिन कह रहे हैं कि आप यहाँ से कदम रखेंगे तो ये है चाइना बॉर्डर। तो गाइस अपना ख्याल रखिएगा, मैं चाइना जा रहा हूँ, आ गया चाइना जाके आ गया मैं, चाइना को छू के। तो यहाँ के मोबाइल ना जाम होना शुरू हो गया, अब जाहिल गिरा जाएगा, नहीं जा साथ। ये बॉर्डर आ गए, अब चाइना का झंडा पाक चोस्ती, देखो चाइना और पाकिस्तान को मिला दिया पाक चोस्ती। अब मेरी जबान अकड़ रही है भाई, क्या करूं मैं। देखो अगर
लड़की अकेली हो ना तो वो बुरी नहीं लगती, लेकिन अगर उसके साथ कोई लड़का हो ना तो वो जहर लगने लग जाती है। हमें पता नहीं क्यों, ये बात मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ मुझे नहीं पता बेटा। हाँ जा, क्या हुआ, जा 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 ना जा। फुटबॉल खेलते हैं आ जा इससे। बोल पार्टी के तुम्हारी पढ़ी क्या, क्या पढ़ा है पहले भाई? ये है कैसा भाई, बाल बाल काट लिया करो, जुम्मा शुमा आता है बाल बाल साफ ऑफ कर लिया करो, ये क्या बदतमीजी है। अबे चला जा कराची की गर्मियों में पैदा होने वाले कीड़े बंदर की औलाद। भाई यहाँ से आते हुए अभी हमें पता है क्या मिला है, ये देखो पहाड़ के अंदर ये पूरा गेट वेट लगाया हुआ है इन्होंने ना, मतलब पूरा कमरा शमरा बना हुआ है। तो हम लोग सुनते हैं ना खाना बदोश, वो असली जो खाना बदोश होते ना ऐसे होते भाई साहब, ये देखो। ओए होए, अरे उस्ताद जी क्या बात है यार, जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। तो गर्मी तो होती नहीं होगी यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं होती साईं। अच्छा तू कहाँ साईं सुई कर रहा है? कहाँ गया? हम लोग कराची। कराची से? हाँ बस एक छोटी सी बात बता दें, कराची में जब भी आओ हमारे मेहमान हो, लेकिन जैसे ही उतरे ना मोबाइल डम कर लेना अपना। अच्छा, वरना फिर मोबाइल निकाल। आज भी मेरे ख्यालों। तो आपने खुद बनाया अकेले ही जी, या दोस्तों वोस्तों ने मिलके बनाया जी? हाँ नहीं, हम तो इधर काम के लिए विश्राम किया। अच्छा पठान है, उधर काम करने। सही, तो मतलब ये बनी बनाई मिली आपको? जी जी, ये 200-300 साल पुरानी है। ओए होए, मतलब हम लोग सिर्फ देखते ही थे वीडियो शीडियो में, आज खुद भी देख लिया ना, खाने पीने का सामान है इनके पास, रोटी छोटी बन रही है। सही यार, जबरदस्त यार, बहुत अच्छा लगा मिल गया। नहीं नहीं, जजाकल्ला, लव यू। जो तैयार है दिल से किया। नहीं नहीं, मोहब्बत आपकी मोहब्बत भाई। जिस तरीके से चाइनीज यहाँ पे बढ़ रहे हैं ना, थोड़े टाइम में तो मुझे लग रहा है कि हमें ये कहना पड़ेगा कि हम चाइनीस्तान में घूमने आ गए। फिर हम यही कहेंगे कि हम नहीं जा रहे, चाइनीस्तान जा रहे, पाकिस्तान में। कहता हूँ पाकिस्तान में इससे ज्यादा खूबसूरत जगह कहीं हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या है, जिस तरीके से बलूचिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं, पूरा गिलगित इग्नोर कर रहे हैं भाई, इग्नोर कर रहे हैं वो लोग, ये चाइनीज समझ रहे हैं इन सारी चीजों को। वो देखो सादे, वो समझ रहे हैं इन चीजों को, वो आके सब अपने। वो अभी गिलगिती पता है क्या बता रहा हमें, कह रहा है कि ये लोग जब टनल बना रहे थे ना, टनल के अंदर से हमारी आंखों के सामने से सोना निकला था, वो गाड़ गाड़ के लेके गए ये लोग। अब बाकी कितना सच है कितना झूठ है, खैर मैंने ये बात तो बता दी। वैसे निकलते है ना सोना, उन्होंने टनल बनाई होगी तो लेके गए होंगे, जो निकला होगा वो इनका। जितना आसान तुम लोगों को दिख रहा था ना कि हम सीधा चाइना बॉर्डर चले गए, कितनी मेहनत की है हमने उस जगह पे जाने के लिए, ये मैं जानता हूँ। 4 दिन का सफर, जिसमें कराची से लेके पिंडी तक का 18 से 20 घंटे का सफ़र था। तो काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद मैंने फाइनली चाइना बॉर्डर देख लिया, मारखोर भी देख लिया, अभी बहुत सारी जगह दिखाना बाकी है। रुको जरा, सबर करो। अभी इस वक्त हम मौजूद है रात के तकरीबन 11 बजे हुंजा के इस रोड पे, और हमारे साथ मौजूद है वही कल वाला बॉय, इसका नाम है माउंटेन क्रेजी बॉय। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चेरी तोड़ने के लिए, और देख रहे हो मतलब रोड ऐसी है कि आपको बाइक स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, और बस जाए चले जा रहे हैं। बारिश भी हो रही है, रोड देखो गीला हो रहा है, गीला हो रहा है रोड। तो अभी हम लोग पहुँच गए चेरी के बाग में। ओए कसम से आगे कुत्ते थे, थोड़े से लगे मैं सही वाले। अबे आ गया एक, अबे आ गया। मजेदार, चेरी तोड़ रहे हो, क्या पता कल को कोई हमें तोड़ दे। हाँ लाल है, बिल्कुल लाल है, बाप रे बाप। भाई फाइनली इतनी सारी चेरी हमने भर ली है इस बंदे की बदौलत, क्रेजी बॉय की बदौलत। अच्छा ये बैठा हुआ वहाँ पे कह रहा है पता नहीं क्या बोला, चोरी का चोरी, चोरी का चोरी कह रहा, नहीं नहीं चोरी का चेरी, चोरी का चेरी। जी फाइनली हम लोग आ चुके हैं होटल, बाकी खैर थक गए यार, मारखोर भी देख लिया, याक भी देख लिया, चाइना बॉर्डर भी देख लिया, बाकी मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। कल हम जा रहे हैं, अरे मेरा स्कर्दू यानी के स्कर्दू, और बस वहाँ पे जाके वहाँ की चीजें दिखाएंगे। बाकी हुंजा लव यू।